नमस्कार। कहते हैं कि सागर का सेंट जोसेफ स्कूल, जो इस समय पर वार्षिक कार्यक्रमों का एक भव्य आयोजन हुआ और समापन भी हुआ। साथ में कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने जो है अच्छे अच्छे तरह तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुत की है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, अलग अलग हिस्सों के बारे में बताते हुए पूरे कार्यक्रम में समानता, सद्भाव और एकता का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इस बीच बच्चों ने जो है आज अभिभावकों का मन मोह लिया। वहीं पर जो है देश की परंपरागत और सांस्कृतिक धरोहर अगर भारत देश को कहा जाता है तो अलग अलग कार्यक्रमों में प्रस्तुत की है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का जो है आज समापन भी हुआ है, साथ में इस कार्यक्रम में भव्यता भी दिखाई दी है। तुम तक न्यूज़ पर हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यह सागर की सेंट जोसेफ स्कूल है, जहां यह वार्षिक कार्यक्रम यहां पर आयोजन हुआ था और यहां पर इसका समापन भी हुआ है। समापन की यह प्रस्तुति जो है आज कैसा लगा कार्यक्रम, बच्चों की प्रस्तुतियों को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां रही हैं। टाइम मैनेजमेंट, वेल प्लान्ड फंक्शन इट इज, एंड सबसे इम्पोर्टेंट के सब कुछ नॉर्थ, हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पूरा भारत ही हमको यहाँ दिखा दिया गया। एंड इट रियली शोज के बच्चों ने और पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है, बहुत ही हार्ड वर्क था उनका। थैंक यू, थैंक यू जी सर। परसों का कार्यक्रम और आज का कार्यक्रम किस प्रकार से भिन्न है? परसों भी समानता का संदेश दिया गया था, आज किस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया? देखिए, परसों हमने एक यात्रा शुरू की थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से अनेकता से एकता की तरफ हम जाएंगे, लेकिन अन्वेषण मतलब होता है खोज। हम यात्रा करते करते इस खोज की तरफ आगे बढ़े कि वहाँ पर हमें क्या विसंगतियाँ मिली, अलग अलग जगहों पर क्या क्या खामियाँ थीं। सभी जगहें अच्छी होती हैं, कुछ खामियाँ सभी जगहों पर होती हैं। हमने ये पाया कि अच्छाइयों के साथ साथ कुछ विसंगतियाँ हर जगह पे होती हैं, हमें उन विसंगतियों से डरना नहीं है। अगर कोई चुनौतियाँ आती हैं तो हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें इस देश को समृद्ध बनाना है और इसको इतना ताकतवर बनाना है कि कल के दिन हमसे कोई भी ना लड़ पाए। और हमें सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। यह एक अन्वेषण है, यह एक खोज है। बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे भारत के दर्शन आज बच्चों ने यहाँ पर कराए, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली और कैसे आप लोगों ने तैयारी की? देखिए, हमारी डायनेमिक प्रिंसिपल प्राचार्या मैडम जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी सोच के साथ इसको शुरू किया था। एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि भले ही कितनी भी विभिन्नताएँ हों, भिन्नता हो, सोच अलग अलग हों, समझ अलग अलग हों, लेकिन हम सब एक हैं। केवल एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से इस देश को समृद्ध बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे और इसको इतना समृद्ध बनाएंगे कि कोई भी हमसे अहिंसा का संदेश ले सकता होगा। ताकत से ये पता चलेगा कि हम अहिंसा को कितने ज़्यादा तरीके से प्रसारित कर पाएंगे।